Hello and uh, very good evening. Uh, good morning to all. Welcome to the class. And uh, this is our daily news analysis here. So let's get started. Make sure that you are following me on this link to get access of the free classes. Or, abhi session ke baad mein class rahegi, around 10-15. Uh, वी विल भी हैविंग वन स्ट्रैटी सेशन रिगार्डिंग द एन्वायरमेंट कि प्रम्स के परस्पेक्टिव से एन्वायरमेंट को कैसे कवर करना है स्ट्रैटिक प्लस करंट मॉर्निंग मोटिवेशन इज रिगार्डिंग दिस होप और बहुत ही मोटिवेशनल ये वर्ड है मार्टिन लूथर के एवरीथिंग दैट इज डन इन दिस वर्ड इज बाई होप सो वी मस्ट नॉट लूज द होप वेन एवर वी आर फेसिंग द डिफिकल्टिचुएशनसेज वी शुड डेफिनेटली हैव a kind ऑफ ऑप्टिमिस्टिक विजन जो भी हमारे गोल्स हैं उनके लिए ताकि हम स्ट्राइव करते रहें क्योंकि होप जो है एक एनर्जी uh, जो है फ्यूल जो है उसका काम करती है क्योंकि तो अगर आप बिल्कुल पैसिमिस्टिक हो जाएंगे है ना सो यू वॉन्ट बी हैविंग दैट एनर्जी जो आपके गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है तो वो आप एक्शन मोड में नहीं आ पाओगे है ना एक्शन मोड में जब तक नहीं आओगे तब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते कुछ अनाउंसमेंट्स हैं पंद्रह मई को मतलब इस संडे को अन की तरफ से ऑल इंडिया प्रलिम्स मॉक टेस्ट कंडक्ट करा जा रहा है बिल्कुल प्रोलिम्स जो आई का प्रलिम्स है उसी पैटर्न पे, पे होगा जीएस पेपर है दो घंटे का फिर सी पेपर है दो घंटे का ये फ्री टेस्ट है ग्यारह सिटीज़ में ऑफलाइन भी कंडक्ट कराया जा रहा है तो अगर आप इन सिटीज़ में हैं तो वैसे पार्टिसिपेट कर लीजिए अदरवाइज ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस टेस्ट को अनलॉक करने के लिए कोड यूज़ कीजिए आरबीआई इसके अलावा अभी कॉम्बो ऑफर चल रहा है कॉम्बो का मतलब है जी एस सी सेट ऑप्शनल मतलब आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे इंक्लूड है और इसकी जो फीस है दिस इज़ फिफ्टी फाइव थाउजेंड जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन इंक्लूड हो गई है यू डोंट नीड टू स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीस यहाँ पे तीन से छः महीने का एक्सटेंशन भी आपको दिया जा रहा है और ये ऑफर आज आपका एंड हो रहा है फाइन और इसके अलावा एक जो है ये अलर्ट है प्राइस हाइक का अलर्ट है प्राइजेस जो हैं फीस जो हैं आपकी वो जल्दी ही इंक्रीज होने वाली है ठीक है तो उसके अगर आप प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन गो एड विद दिस सब्सक्रिप्शन ऑफर ही कैसे लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जब आप उस पर क्लिक करेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको प्लान मिल जाएगा और वहाँ पे आप आगे जाके जैसे ही आप ये कोड यूज़ करेंगे आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा यूज़ द कोड आर बी लाइव एंड यू विल बी गेटिंग द पर्सनलाइज गाइडेंस ऑल्सो ओके स्टार्ट करेंगे टेलीग्राम चैनल है इस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं मारतंड सन टेम्पल जो है इसको लेके चर्चा है और ये अगर आज आप देखेंगे तो जस्ट मेरे पीछे जो इमेज है ये इसके रूइ्स है है ना आज इस तरीके का ये दिखता है लेकिन इसी का एक प्रोजेक्शन तैयार किया गया कि ये पहले जब सही रहा होगा जब इसे बनाया गया होगा तो किस तरह का ये रहा होगा फ़ाइन तो मार्थंड सन टेम्पल न्यूज़ में क्यों है इसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा हम देख लेंगे फाइन और इसको किसने बनवाया तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं एक आपने मूवी देखी होगी कश्मीर फाइल्स उसमें भी इसका जिक्र है और अभी ये न्यूज़ में है क्योंकि जो मारतंट सन टेम्पल है ये है ए के प्रोटेक्शन के अंदर है ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन के अंदर ये आपका सन टेम्पल है और एट्थ सेंचुरी के अंदर इसको बनाया मारतंड जो है सन का सूर्य का एक और नाम है और लॉर्ड सन को ये डेडिकेटेड है टेम्पल मारतंट सन टेम्पल एट्थ सेंचुरी का ये टेम्पल अब यहाँ पे एएसआई के प्रोटेक्शन में है और यहाँ पे अभी क्या किया गया कुछ प्रेयर्स यहाँ पे अलाउ की गई है ना लास्ट वीक दो बार प्रेयर्स किया गया और एक प्रेयर के अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल है मनोज सिन्हा जी वो भी यहाँ पे शामिल होते हैं और यहाँ पे एएसआई कहता है कि हमारे जो रूल्स हैं उसका वायलेशन हुआ है ये एएसआई प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे आपको ये जो है वर्शिप अलाउड नहीं है है ना वर्शिप अलाउड नहीं है यहाँ पे ये यह जो रूल्स हैं यहाँ दैन क्वेश्चन वुड कम ऑटोमेटिकली इन योर माइंड की फिर यहाँ पे नहीं है तो फिर ताजमहल में क्यों है ताज महल भी तो एस आई के अंडर आ रहा है यह बहुत सारे ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं जो कि या तो टेम्पल हैं मॉस्क है चर्चेज हैं जहाँ पे एस आई के कंट्रोल में वो हैं उसके प्रोटेक्शन में हैं लेकिन वहाँ पर वर्शिप अलाउड है अगर हम देखेंगे लगभग सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स जो हैं आर्क्योलॉजिकल साइट्स हैं वो लगभग साढ़े तीन हज़ार हैं उसमें से आठ सौ के आसपास ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर आपको क्या है ये आ, वर्शिप अलाउ की जाती है तो फिर क्या क्राइटेरिया है कि वर्शिप अलाउ की जाएगी नहीं की जाएगी एक तो ये क्वेश्चन हुआ फिर हम आएंगे आर्किटेक्चर ऑफ दिस सन टेम्पल तो वर्शिप का क्राइटेरिया ये है ये कह रहे हैं आ, कि जो लिविंग आ, अगर वहाँ पे एक ट्रेडिशन है है ना जिस टाइम पे ए ने उस पर्टिकुलर मोन्यूमेंट को अपने प्रोटेक्शन के अंडर लिया है अगर उस टाइम पे कंटिन्यूसली वहाँ पे वर्शिप होती आ रही है तो वो वर्शिप वहाँ पे कंटिन्यू रखी जाएगी अगर जिस टाइम पे ए ने उसको अपने प्रोटेक्शन में लिया है वर्शिप वहाँ पे नहीं हो रही है तो फिर वो डिसकंटिन्यू होगी मतलब वहाँ पे दोबारा आप वो स्टार्ट नहीं कर सकते तो यही चीज यही रीजन इन्होंने दिया है और कहा है कि ये जो है आ, एक तरह से मारतंड सन टेम्पल जो है आ, जिस टाइम पर बनाया गया उस टाइम पर रहा लेकिन फोर्टीन सेंचुरी में इसको डिस्ट्रॉय किया गया सिकंदर शाह मीरी के द्वारा है ना जो कश्मीर का रूलर था सिकंदर शाह मीरी के द्वारा फोर्टीन सेंचुरी में इसका डिस्ट्रक्शन किया गया उसके बाद से यहाँ पे ये प्रेयर्स वगैरह नहीं है क्योंकि आप देख रहे हो पूरी तरह से र्यून है है ना? एक तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है ये जो मंदिर है तो वहाँ पे उसके बाद से ये जो पूजा वाला है ना प्रेयर वाला जो ट्रेडिशन है वो हट गया फिर ट्वेंटी सेंचुरी में जब एएसआई ने इसको अपने प्रोटेक्शन में लिया है तो यहाँ पर जो पूजा या जो भी ट्रेडिशन है वो कंटिन्यू नहीं रहा इसलिए ये ऐसा ही यहाँ पे कह रहा है कि जब हमने इसका चार्ज लिया तब यहाँ पे पूजा या हिंदू रिचुअल्स नहीं हो रहे थे इसलिए अब भी हम अलाउ नहीं करते हैं ये हमारे रूल्स हैं अगर कंटिन्यूसली हो रहे हैं जैसे ताजमहल है तो ताजमहल में फ्राइडे की जो प्रेयर्स होती हैं नमाज होती है उसके लिए ओपन किया जाता है केवल लोकल्स के लिए है ना आई कार्ड देख आप एंटर जा सकते हो तो वहाँ पर पिछले चार साल से रेगुलर ये नमाज ऑफर की जा रही है तो ये एक तरह का जो है लाइव हो गया है ना मतलब वो ट्रेडिशन आपने कंटिन्यू किया है इसलिए हम इसको यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं तो तोर्शिप और कौन से ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं जहाँ पे वर्शिप अलाउ है जैसे शंकराचार्य टेम्पल है कश्मीर में ही है आ, पत्थर मस्जिद इज़ देयर इन श्रीनगर जो एस के कंट्रोल में है लेकिन यहाँ पे क्या है वर्शिप अलाउ की गई है क्योंकि ये कंटिन्यूसली ट्रेडिशन यहाँ पे चला आ रहा है तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पे कंटिन्यूस है नहीं है अब दूसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इस टेम्पल के आर्किटेक्चर का फाइन और ये जो टेम्पल है ये बनाया गया था ललितादित्य मुक्ता पीठ है ना ये कश्मीर के रूलर रहे हैं और ये आप देखेंगे ललितादित्य का जो रूल है ये है एट्थ सेंचुरी के अंदर फाइन एट्थ सेंचुरी में है इस टाइम पे इसको बनाया गया मारतंडसन टेम्पल को और बहुत ही ग्रैंड स्केल पे ये बनाया गया है जैसा आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है दिस प्रोजेक्शन इज देयर फाइन इसका अगर हम आर्किटेक्चर थोड़ा प्रयास करें तो ये कश्मीरी आर्किटेक्चर का एक तरह का एग्जाम्पल है जिसमें हमें अमलगमेशन मिक्सिंग देखने को मिलती है गंदारा आर्ट की है ना गुप्ता आर्किटेक्चर की और चाइनीज़ फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर की गंदारा आर्ट के अंदर क्या होगा ग्रीक इन्फ्लुएंस होगा तो इसमें ग्रीक इन्फ्लुएंस क्या है यहाँ पे जो पेरी स्टाइल है वो देखने को मिल रहा है पेरी स्टाइल में क्या होगा जो कोट याट है वो चारों तरफ पिलर्स से घिरा हुआ है पिलर्स हैं काफ़ी सारे इस तरह से पिलर्स हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है temple has दिस कोट यार्ड विद इट्स प्राइमरी श्राइन इन देंटर सराउंडेड बाई 84 फोर स्मॉलर श्राइन्स है ना 84 फोर स्मॉलर श्राइन्स भी हैं जो प्राइमरी श्राइन है सराउंडेड तो आपको अंदाजा लग जाएगा कितना बड़ा ये ग्रैंड स्केल पे टेम्पल इन्होंने बनाया था और uh, कश्मीरी आर्किटेक्चर इसमें रहेगा तीनों का कॉम्बिनेशन है गंदारा गुप्ता और चाइनीज फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर इसमें अगर आप देखोगे कश्मीर में जितने भी टेम्पल्स हैं उसमें ये जो uh, ये है ना ये जो आपको दिख रहा है टॉप ऑफ दिस टेम्पल ये थोड़ा सा आपको क्या दिख रहा है इस टाइप में अलग अल, अलग दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे जो एरियाज हैं उसके अंदर इस तरह से ये फॉलो करते हैं पिरामिडिकल टॉप आपको दिखेगा ठीक है ना इवन हिमाचल में भी काफ़ी टेम्पल्स में जाएंगे तो पिरामिडिकल टॉप यहाँ पे आपको दिखता है तो ये स्पेसिफिक फ़ीचर है जितने भी टेम्पल्स हैं कश्मीर के अंदर वहाँ पर पिरामिडिकल टॉप आपको टेम्पल के टॉप पर मिल जाएगा और अगर हम अंदर की तरफ जाए वाल कार्विंग्स हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी जो इनको डिपिक्ट किया गया है ना वॉल के ऊपर उनको डिपिक्ट किया गया है तो दिस मच यू शुड नो एंट्रेंस की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न साइड पे इसका एंट्रेंस सिचुएटेड यहाँ पे है अब यहाँ पे आते हैं एक और चीज़ हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है दिस इज अबाउट ललितादित्य ललितादित्य जो है ये कारकोटा डायनेस्टी कारकोट डायनेस्टी के थे है ना कश्मीर रीजन में इन्होंने रूल किया और बहुत पावरफुल रूलर माने जाते थे इनका जिक्र है कल्हन की राज तरंगिनी में है ना कल्हन जो है इनका अकाउंट काफ़ी ऑथेंटिक यहाँ पे माना जाता है कश्मीर पे काफ़ी सारी इनकी जानकारी यहाँ से मिलती है तो यहाँ पे अपनी जो राज तरंगिनी इनकी है इसमें इन्होंने इनका जिक्र किया है और इसको वैलिडेशन यहाँ पे किया है एक हिस्टोरियन है हरमान गॉड्स है ना हरमान गॉड जो हैं इन इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ कल्हनस अकाउंट रिकन्स्ट्रक्शन किया कि क्या क्या चीज़ें जो है आज की तारीख़ में हम उसको एविडेंस बेस पर प्रूफ करके सही मान सकते हैं क्लियर तो इनका जो अकाउंट है हरमन गौर्ज का ये आ, जो आगे जो ऑथर्स हैं उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया और आज के टाइम पे इसको एक्सेप्टेबल माना जाता है तो इन्होंने बताया कि यहां ललिता दित्य ने काफी स्ट्रॉग एम्पायर क्रिएट किया था जिसमें आज के टाइम का सेंट्रल एशिया के काफी पार्ट्स हैं और अफगानिस्तान भी आता है मतलब प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ये सारा पार्ट ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे कि ईस्टर्न इंडिया तक जा रहा है और ऊपर सेंट्रल एशिया तक जा रहा है इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया था कारकोटा एम्पायर एट्थ सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस क्योंकि न्यूज़ में रह चुका है काफ़ी ज़्यादा और अब वा, वापस से ये चर्चा में है तो ये कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे और दिस इज़ अबाउट जीएस पेपर टू और ये टॉपिक वापस से न्यूज़ में आ गया है ये हमने कवर भी किया था आई थिंक मार्च के अंदर ये इशू उठा था इसमें क्या था कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है किसको हिंदू जो हैं उनको माइनॉरिटी स्टेटस देने की बात थी इसके लिए एक पटिशन दायर की गई थी और उस पटिशन में यह कहा गया था कि हिंदूज जो हैं बहुत सारे ऐसे यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स हैं जहाँ पे माइनॉरिटी में आ गए हैं आप देखेंगे लक्षद्वीप मिजोरम नागालैंड मेघालय जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश मणिपुर पंजाब ये ऐसे रीजन हैं जहां पर हिंदूज जो हैं है ना एज ए रिलीजन हम बात कर रहे हैं हिंदू जो है वो माइनॉरिटी के अंदर है इसलिए इनको क्या है माइनॉरिटी स्टेटस इन स्टेट्स के अंदर माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टी एम एपाई केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि uh, जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है मतलब रिलीजन के हिसाब से अगर कोई माइनॉरिटी है या फिर लैंग्वेज के हिसाब से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो उसको स्टेट वाइज कंसिडर किया जाएगा स्टेट बेसिस पूरे देश में अगर हम देखें तो ठीक है हिंदू मेजोरिटी में है अराउंड एट्टी परसेंट पॉपुलेशन इज देयर बट यहाँ पे इन स्टेट्स का जो जिक्र किया गया उसमें इस पेटिशन में यह कहा गया कि यहाँ पर इन स्टेट्स में माइनॉरिटी में है सिंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये डिसीजन है कि जो ये कम्युनिटीज हैं मतलब उनको रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्टेट वाइज डिसाइड होगा फाइन तो ये पटिशन आई और इस पटिशन ने एक और यहां पे कंसर्न उठाया कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट है ये केवल पांच कम्युनिटी को माइनॉरिटी मानता है मुस्लिम है सिख है बुद्धिस्ट पारसी और क्रिश्चियन फिर इसके अंदर जैन और ऐड किए गए 2014 में जैनस को भी ऐड किया गया लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है हिंदूज को यहां पर माइनॉरिटी के रूप में इंक्लूड नहीं किया इसलिए ये जो पटिशन है ये इस पर भी क्वेश्चन मार्क करती है फाइन तो so, अभी इस न्यूज पे हम आए ये वाली जो आज पेपर में न्यूज है इस न्यूज पे हम आए उससे पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता रहा हूं अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू मेक सेंस ऑफ दिस न्यूज तो ये पूरा चल रहा था और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रेस्पॉन्स दिया इस पटिशन जब सुप्रीम कोर्ट में पटिशन आया तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एफिडेविट मतलब रेस्पॉन्स दिया गया कि uh, काफी सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने बेसिस पे माइनॉरिटी कम्युनिटी डिसाइड किया जैसे महाराष्ट्र ने जूस को माइनॉरिटी स्टेटस दिया है ना काफी सारी लैंग्वेजेस है जिनको माइनॉरिटी लैंग्वेज का स्टेटस दिया है कि इन्होंने स्टेट्स ने दिया है स्टेट लेवल पे ये स्टेटस दिया गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे कह रही है कि स्टेट को ये अधिकार है ये देखिए आप हेडिंग देखिए मेरे पीछे स्टेट्स टू कैन डिफाइन द माइनॉरिटी स्टेटस सेंटर क्या कह रहा है कि कंकरंट हो गया एक तरह से जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी जो है माइनॉरिटी कंसिडर कर सकती है ये उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था कि स्टेट लेवल पर भी माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा सकता है फाइन और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं अब यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेश एफिडेविट लगाया है और इसमें क्या कहा है इसमें इन्होंने कहा है कि जो माइनॉरिटी है ठीक है ना इन सप्रेशन ऑफ द अर्लियर एफिडेविट इट सेड दैट द पावर इज वेस्टेड विद द सेंटर टू नोटिफाई द माइनॉरिटी कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही नोटिफाई कर सकती है माइनॉरिटी तो पहले कह रहे थे स्टेट भी कर सकते हैं आप कह रहे हैं नहीं केवल सेंटर कर सकते फाइन तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप चाहते क्या हो समझ रहे हैं कि आप खुद ही क्लियर नहीं हो क्या आप चाह रहे हो ये आप हमें बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है हमें स्टेट के साथ इसके अंदर चर्चा करने की ज़रूरत है क्योंकि इस इस इशू के फार रीचिंग रिपरकशन रेमिफिकेशन हो सकते हैं मतलब बहुत लॉन्ग टर्म इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसलिए आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए और हम आपको सोच के बताएंगे अब हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है भारत का संविधान क्या माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया है तो पहली बात तो याद रखिए कोई डेफिनेशन नहीं है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो माइनॉरिटीज़ हैं ये कहीं भी डिफाइन नहीं की गई हैं टी एम ए पाई फाउंडेशन ये जो केस है इसकी रूलिंग को ध्यान रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस का नाम याद होना चाहिए जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो माइनॉरिटीज़ uh, है वो स्टेट बेसिस पे डिसाइड होंगी ठीक है ये वही स्टेट है जिनका शुरू में जिक्र किया गया था तो ये बता रहे हैं कहाँ पे uh, हिंदूज का परसेंटेज कितना है ठीक है तो ये परसेंटेज रटने की जरूरत नहीं है बट यू शुड बी अवेयर हाँ कि ये स्टेट्स हैं जहाँ पे uh, इस तरीके से ये माइनॉरिटी में है अब हम आते हैं आर्टिकल ट्वेंटी नाइन और आर्टिकल थर्टी पे है ना आर्टिकल ट्वेंटी नाइन क्या कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ जहाँ पे उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज है खुद की जो कल्चर है उसको वो कंजर्व कर सकते हैं ठीक है ना अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर सकते हैं उनको स्टेट से वहाँ पे फंड मिल सकता है और उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी क्या नहीं होगा भेदभाव नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आर्टिकल थर्टी डील्स विद राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टिब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फाइन तो इस बेसिस पे ये दो आर्टिकल्स हैं और जहाँ तक हम आर्टिकल थ्री फिफ्टी ए की बात करें यहाँ पे एक लिंग्विस्टिक ऑफिसर जो है अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा जो स्टेट बेसिस पे बेसिस पे जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनको सेफ़ प्रोवाइड करने की बात करेगा अब इंडिया के अंदर माइनॉरिटी है कौन ओनली दोज कम्युनिटीज़ नोटिफाइड अंडर द सेक्शन टू सी ऑफ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन इसमें हमने देखा था ना शुरू में पांच कम्युनिटीज़ थी फिर 2014 में जैन्स को भी इंक्लूड किया गया तो केवल यही जो कम्युनिटीज़ हैं इनको आप माइनॉरिटी यहाँ पे कंसीडर करते हैं इंडिया के अंदर इसमें मुस्लिम हैं क्रिश्चियंस हैं सिख हैं बुद्धिस्ट पारसी हैं और जैन को इंक्लूड किया है तो ये जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में आई है ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन उठा रही है जो नोटिफिकेशन है इसके ऊपर कि इसमें किस बेसिस पे आप कर रहे हो और हिंदू को क्यों नहीं किया जा रहा जबकि आप कह रहे हो कि स्टेट बेसिस पे होना चाहिए यही वो टी एम ए पाई फाउंडेशन वाला केस है जिसके अंदर मेजोरिटी रूलिंग आई थी छः जजों की और उन्होंने ये कहा था कि इट टुक द स्टेट एज अ यूनिट टू डिटरमाइन वेदर द हिंदूज वर माइनॉरिटी कम्युनिटी है ना स्टेट लेवल पे यह देखा जाएगा कि कौन माइनॉरिटी कम्युनिटी है या नहीं है जबकि स्टेट लेवल पे यह कह, कह रहा है कि देखा जाएगा अभी तक माइनॉरिटी स्टेटस इन स्टेट्स में नहीं है हिंदू कम्युनिटी का जिसको लेके ये पूरा इशू चल रहा है फाइन <coughs> तो दिस मच यू शुड नो अब देखते हैं पूरा मैटर कहाँ जाता है सेंटर क्योंकि बैक कर गया है पहले कुछ कहा था अब कुछ और कह रहा है तो ये बात आगे तक जाएगी है ना पूरा मैटर चलेगा लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स हैं ना बेसिक जो है वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं कि क्या माइनॉरिटी स्टेटस को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है क्या उसकी डिफाइनेशन दी गई है या नहीं दी गई है फाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू पॉइंट है यहाँ पर ये यह सारी चीज़ें हमने देख ली तो अब जैसे भी मैटर जो भी होगा यू विल बी एबल टू मेक सेंस ऑफ दैट इशू एक और जजमेंट है 2005 वाला तो ये टी एमए पाई वाला याद रख लीजिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट ठीक है ना एक से काम हो जाएगा यहाँ पर निखिल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर हमेशा मोटिवेट कैसे रहा जाए देखिए आपका जो मोटिवेशन है ना आप खुद ही खुद को मोटिवेट कर सकते हो वही सस्टेनेबल है ठीक है आप आपको कोई और व्यक्ति मोटिवेट करता है या कुछ भी मोटिवेशनल आपने कुछ देखा वो ठीक है उनका अपना इंपॉर्टेंस है लेकिन वो चीज़ें सस्टेनेबल नहीं है कुछ दिन दो दिन दस दिन बीस दिन, दिन, दिन एक महीना फिर वो मोटिवेशन लेवल डाउन होता है सस्टेनेबल यही है आप अपने आप को खुद मोटिवेट करो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है अपने लिए डेली बेसिस पे छोटे छोटे गोल्स बना लो जैसे आप मान लो दस घंटा नहीं पढ़ सकते एक घंटा पढ़ सकते हो तीस मिनट पढ़ सकते हो लेकिन उसको एक पेपर पे लिखो कि तीस मिनट आज मुझे ये पढ़ना है है ना इसमें ये दो टॉपिक मुझे करने हैं एक और दो और फिर उस पर ऐसा टिक कीजिए तो ये क्या होगा अपना कॉन्फिडेंस बनाना आप स्टार्ट करोगे धीरे धीरे छोटे छोटे एक एक स्टेप से ही तो ऊपर जाओगे तो छोटा छोटा जो भी आप बना सकते हो उसको डेली बेसिस पे लेकिन जो आपने उस पेपर पे लिख लिया अपनी डेस्क पे जिस पेपर को लगा के आपने रखा है जैसे रात को अपना गोल सेट कर लीजिए उसको आपने लिख लिया तो फिर किसी भी कंडीशन में वो जो तीन गोल हैं चार गोल है उसको कंप्लीट करना है ठीक है ना इन एनी केस आप मान लो कि हाँ सेवेंटी एट्टी परसेंट तो मुझे कवर करना ही है ये है तो धीरे धीरे क्या होगा आप अपनी जो एबिलिटी है आपका खुद के लिए जो विश्वास है सेल्फ बिलीफ वो डेवलप होना स्टार्ट होगा और वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा आपको इम्पेक्ट देगा पुलिचर प्राइस पे आते हैं और ये एक डाउट था बच्चे का आ, कैसे मोटिवेट रहा जाए निखिल घोल बना के ठीक है कोई बात नहीं सोना भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर आप सो रहे हो तो गोल आप इतना ही बनाइए जैसे एक गोल बना लो है ना जैसे आंसर राइटिंग है तो केवल दस मिनट आंसर राइटिंग आप ये क्यों सोचते हो कि मुझे एक घंटा आंसर राइटिंग करनी है आधा घंटा करनी है दस मिनट दस मिनट भी नहीं हो रहा पाँच मिनट तो आप क्या सोचोगे अरे यार पाँच मिनट की तो बात है चलो इसको टिक करता हूँ तो वो पाँच मिनट धीरे धीरे बढ़ता हुआ दस पंद्रह एक घंटा ऐसा हो जाएगा फाइन पुलिच्चर प्राइस पे आते हैं और पुलिजर प्राइज अभी दिया गया है अगर हम देखेंगे टीम ऑफ फॉर इंडियन फोटोग्राफर्स यहाँ पे हैं जिसमें दानिश सिद्दीकी ये नाम आपने सुना होगा ये तालिबान में रिपोर्टिंग कर रहे थे और वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी तो ये हैं और इन चार को यहाँ पे पुलिजर प्राइज दिया गया है दे हैव वन दिस ट्वेंटी टू पुलिजर प्राइज फॉर फीचर फोटोग्राफी ठीक है कोविड नाइन्टीन क्राइसिस को कवर करने के लिए या फिर जो कश्मीर में जिस तरह से आर्टिकल थ्री के बाद सिचुएशन है तो ये इनको दिया गया पुलिजर प्राइज कौन देता है कौन 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 इसके लिए एलिजिबल है ये कुछ चीज़ें ध्यान रखिए पुलिजर प्राइज दिया जाता है फॉर द अचीवमेंट इन द न्यूज़ पेपर मैगजीन ऑनलाइन जर्नलिज्म लिटरेचर म्यूजिकल कंपोजिशन विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स अब इसमें क्या होगा इसके जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं है ना जर्नलिज्म को छोड़ दीजिए बाकी सब जगह पे यूएस सिटीजन होने चाहिए यूएस सिटीजन होंगे वो इलिजिबल होंगे तो ये आपको मिल रहा है बुक्स ड्रामा म्यूजिक वाला जो कॉम्पोजिशन है यहाँ पे केवल यूएस सिटीजन इलिजिबल है हिस्ट्री वाली कैटेगरी में कोई भी किसी भी देश का नागरिक चल जाएगा लेकिन वो हिस्ट्री की जो बुक है वो यूनाइटेड स्टेट के बारे में होनी चाहिए फाइन जर्नलिज्म एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर किसी भी नेशनैलिटी के जो है जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पे कंपीट कर सकते हैं अपनी एंट्री दे सकते हैं लेकिन उनके जो वर्क हैं वो यूएस न्यूज पेपर मैगजींस वहाँ पे पब्लिश होने चाहिए तो ये रूटर्स पर अपना काम कर रहे थे ना ये जो है उनका वर्क पब्लिश हुआ है यूएसए में इसलिए इनको कंसिडर किया गया है ये प्राइज एस्टेब्लिश किया गया जोसफ पुलिटजर के द्वारा जो खुद एक काफी जाने माने जर्नलिज्म में उन्होंने नाम बनाया कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है प्राइस को 21 वन कैटेगरीज है ये ध्यान रखिए और पब्लिक सर्विस कैटेगरी में गोल्ड मेडल देते हैं बाकी सब में कैश अवार्ड दिया जाता है सर्टिफिकेट और कैश अवार्ड दिया जाता है दिस मच यू शुड नो फाइन एक ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान रखिए ज्यादातर स्टेट पी में आते हैं इस तरह से फिलिपींस वोट ब्रिंग्स मार्कोस मार्कोस को वापस ये ले आए हैं तो ये हैं मार्कोस जूनियर फर्डीन मार्कोस जूनियर और इनके जो पिताजी थे उनको बहुत बड़ा डिक्टेटर माना जाता था उन्होंने लगभग बीस साल तक राज किया ठीक है तो यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि वो जो डिक्टेटर है उन्हीं के वापस से जो बेटा है वो रूल कर रहा है और यहाँ पे जीत के आए हैं है ना ये कह रहे हैं कि मेरी फैमिली हिस्ट्री से मुझे जज मत करिए मेरे एक्शन से मुझे जज करना तो इनका नाम ध्यान रखिए फर्डीनैंड मार्कोस जूनियर जो फ़िलीपींस को यहाँ पर रूल करने वाले ठीक है साइंस एंड टेक पे हम आते हैं ये है रॉकेट राक, प्रोपेल्ड ग्रेनेड अभी आपने देखा होगा मोहाली के इंटेलिजेंस हेड क्वार्टर जो है वहाँ पे पंजाब पुलिस का जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर वहाँ पे आरपीजी के थ्रू अटैक uh, हुआ है एक है ना आरपीजी क्या होता है रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड होता है कैसे वर्क करता है इसको हम देख लेते हैं uh, रॉकेट प्रोपल्ड ग्रेनेड यह है आर पी जी इज़ अ वेपन ऑफ सोवियत ऑरिजन सोवियत ऑरिजन का स्पेशली वर्ल्ड वार वन के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर रहा और आर पी जी क्या होता है पोर्टेबल होता है कंधे पे रख के आप इसको लॉन्च कर सकते हैं ईजी टू ऑपरेट होता है काफ़ी ज़्यादा डैमेज क्रिएट करता है काफ़ी सारी मूवीज में आपने देखा होगा आर पी जी फायर किया जा रहा है ना तो इसकी वराइटी काफ़ी सारी होती हैं रेंज डिफरेंट होती हैं पेनिट्रेशन लेवल डैमेज अलग अलग तरीके से ये कर सकता है सोवियत के जो हैं आर जो जो है सोवियत और के ये काफ़ी पॉपुलर रहे हैं इनका यूज़ किया जाता रहा है चाहे सीरिया वार है अफगानिस्तान है वियतनाम कन्फ्लिक्ट है हर जगह पे यूज़ हो रहा है इवन जम्मू कश्मीर में भी टेररिस्ट के हाथ में ये आर लग जाते हैं क्योंकि इनका एक अंडरग्राउंड मार्केट चलता है फाइन और इनकी सप्लाई जो है अलग अलग देशों में इस तरह से की जाती है अभी ये जो मिला है पंजाब पुलिस को ये कह रहे हैं कि ये पी जी नेटो वर्जन है इसको रटने की जरूरत नहीं है बस आर ध्यान रखिए क्या होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज क्रिएट कर सकता है लगभग 200 मीटर इसका डैमेज मतलब बहुत बड़ी स्केल पे ये इस तरह से डैमेज करता है और अभी भी जो सोवियत ओरिज़न के वेपन्स हैं इनका इलिसिट मार्केट चलता है ब्लैक मार्केट वगैरह ये सब चलता है स्मगलिंग इनकी होती है ठीक है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान रखने हैं तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स वी आर एपिंग दिस टूडेज सेशन ईयर है ना आर्टिकल तो uh, आज हम नहीं ले रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है भी नहीं एक्सेप्टल आई विल भी एडिंग दट टुमारोज क्लास अभी आपकी क्लास है दस बज के पंद्रह टी एम पे सवा दस बजे एक क्लास है स्पेशल क्लास है जो कि स्ट्रैटेजी सेशन है लिंक उस क्लास का मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पर शेयर किया है वो फ्री क्लास रहेगी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी किस चीज़ की स्ट्रैटी एनवायरमेंट को कैसे कवर किया जाए प्रोलम्स के परस्पेक्टिव से क्यों क्योंकि आफ्टर द क्लबिंग ऑफ आई एफ एस है ना आपने देखा होगा कि एनवायरमेंट और साइंस रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से यह इन्वायरमेंट बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से इसको स्टैटिक और करंट के परस्पेक्टिव में दोनों के हिसाब से हम इस टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे और सवा दस बजे अभी इसकी क्लास रहेगी तो दिस इज ऑल अभी आंसर राइटिंग इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि प्रॉब्लम्स यहाँ पे पास में आ रहा है तो वॉन्ट की बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम्स पे ही फोकस कर लें क्लियर इसके अलावा अनकेडमी आपको देता है सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन जो घर बैठे आप एक्सेस कर सकते हैं डेली लाइव क्लासेस डाउट सॉल्विंग सेशन एक टाइम बाउंड मैनर में पूरा सिलेबस कंप्लीटन फाइन आपको प्रिंटेड फॉर्म में नोट दिए जाते हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाता है टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग जैसे रिसोर्सेज एक जगह मिल जाते हैं और आपको जाना है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए कॉम्बो में क्या होता है आपका जी एस सी सेट ऑप्शनल ये सब इंक्लूड है और इसकी फीस बहुत ही नॉमिनल है फ़िफ्टी फाइव थाउजेंड इसकी फीस रखी गई है इसमें आपको फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है मतलब जैसे ये एक साल की फीस है फिफ्टी फाइव थाउजेंड तो आपको तीन महीने एक साल पूरा होने पर तीन महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर आप दो साल का ले रहे हैं तो छः महीने का फ्री एक्सटेंशन आपको मिलता है और नए बैचेज आपके स्टार्ट हो रहे हैं ग्यारह मई से तो इनमें आप एनरोल कर सकते हैं इसमें जो प्राइस हाइक का अलर्ट है वो मैंने आपको बता दिया था जो आपकी फ़ीस है वो यहाँ पे इंक्रीज होने वाली है अलर्ट हैज़ बिन गिवन लाइव मेंटरशिप के लिए आइकॉनिक के साथ आप जा सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सब्सक्रिप्शन का लिंक है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये प्लान्स मिलेंगे वन ईयर वन पॉइंट फाइव ईयर है ना ट्वेंटी फोर मंथ तो आपको जो भी प्लान सूट कर रहा है वो आप चूज़ कीजिए देन पुट द कोड आर बी लाइव तो आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है फीस पे वो एप्लीकेबल हो जाएगा और उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू जा सकते हैं दिस इज़ वेरी सिंपल जीरो परसेंट ई एम भी आपको दिए गए हैं और यह अल्ट्रा कॉम्बैट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट बाईस मई को होगा मतलब जो पंद्रह मई के बाद जो अगला संडे है उसको कंडक्ट किया जाएगा पंद्रह मई को तो आपका फ्री ऑफलाइन uh, एक तरह से मॉक टेस्ट हो रहा है अगर आप इंटरव्यू में अपियर कर रहे हैं तो अन अकेडमी के मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम का भी बेनिफिट ले सकते हैं सो दिस इज ऑल ऑल द बेस्ट एंड विल बी मीटिंग इन दैट प्लस क्लास इन द कपल ऑफ मिनट्स ऑल द बेस्ट